आज हम बनाने वाले हैं वेज थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। जैसे कि आप मेरे किचन में देख ही रहे होंगे कि ये सारी तैयारी किस चीज़ की है। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया, थाली आज हम बनाने वाले हैं। तो थाली बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, उन पूरी चीज़ों की तैयारी पहले इस तरह से कर लीजिएगा, फिर थाली बहुत इजीली बन जाती है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए थाली बनाने के लिए। कम तो देखिए, ये है सांभर बनाने की पूरी रेसिपी की तैयारी। यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली है, ड्रमस्टिक लिया है, लहसुन लिया है, प्याज, टमाटर, सांभर पाउडर, और ये मसाले का डब्बा तो हमारे हर चीज़ में यूज़ होगा। तो ये मसाले का डब्बा जिसमें है राई, जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, और ये है काली आंख चना। के लिए भी मुझे प्याज, टमाटर, धनिया और कड़ी पत्ता लगे। और यहाँ पे मैंने ली है तुरई, जिसको मैंने कट कर लिया है पहले से ही। प्याज, टमाटर और ये मूंगफली है, इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना। और गुलाब जाम के लिए ये गुलाब जाम का पैकेट, MTR का पैकेट लिया है यहाँ पे मैंने। इसके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। इसकी मैंने एक्चुअली अलग से रेसिपी वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पर, बट आप आज फिर से देख लीजिएगा। और शक्कर। सारी तैयारी हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं कुकर लगाऊंगी, जिस कुकर में मैं मसूर की दाल को पकाऊंगी, और एक तरफ मैं चावल का भी कुकर चढ़ा दूंगी और एक तरफ इस ग्रेन का भी कुकर चढ़ा दूंगी। तो तीन जगह पे मेरा कुकर चढ़ा हुआ होगा और एक जगह पे मैं सब्जी की तैयारी स्टार्ट करूंगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी सारी चीजें एक साथ रेडी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। मसूर की दाल, और इसको हम अच्छी तरह से पहले धो ले। तो दाल को मैंने धो लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, फिर जाएगी इसमें हल्दी, और इसमें जाएगा लहसुन, और फिर इसमें मैं डालूंगी पानी, और कुकर बंद करके कुकर को मैं चढ़ा दूंगी, और इनकी मैं तीन सीटियां बजाऊंगी कुकर की, और उसके बाद हम सांभर बनाएंगे। अब मैं इसे भी कुकर में डाल दूंगी। तो कुकर में बंद करके इसकी हमें दो सीटियां मारनी है कुकर की, तो इसको भी मैं गैस पे चढ़ा दूंगी। तो अब हम ड्रमस्टिक को भी एक पानी में डाल के इसको भी उबालने के लिए रख देंगे। ये सांभर के लिए यूज होगा फ्रेंड्स। तो जब तक कुकर रेडी होता है, तब तक हम रोटियों के लिए आटा गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, आटा गूंद के हो चुका है। अब सब्जियां बनाने तक हम आटे को रेस्ट करने रख देंगे। तो जब तक हमारे दोनों कुकर ठंडे हो रहे, हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। ये हमारे सब्जी के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारी सब्जी बनेगी नहीं। तो मूंगफली को रोस्ट करके इसका हम पाउडर बना लेंगे, जब तक हमारे दोनों कुकर जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरे मूंगफली भी अभी भून के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो जब तक ये ठंडा होता है, हम सांभर बना देंगे, क्योंकि कुकर जो है वो ठंडा हो चुका है। तो इसको मैं साइड में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा। तो चलिए पहले सांभर बना लेते हैं। तो गैस को ऑन कर लेंगे, उसमें डालेंगे सबसे पहले तेल, और डालेंगे एक चम्मच घी। तेल और घी को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे पहले। तो तेल और घी गरम हो चुका है, सबसे पहले हम डालेंगे राई, फिर डालेंगे जीरा, इसमें जाएगा हींग, फिर जाएगा कड़ी पत्ता, अब इसमें जाएगा प्याज, और इसको हम अच्छी तरह से पहले भून लेंगे। तो प्याज जब तक भून रहा है, हम कुकर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए, दाल जो है वो अच्छी खासी हमारी गल गई है। इस तरह से दाल जो है वो गल जानी चाहिए। बस मैंने चम्मच से हिलाते ही पूरी मेरी दाल जो है वो देखिए इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो जब भी सांभर बनाए, तो दाल को इस तरह से अच्छी तरह से गल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। तो अब जो है वो प्याज भून चुके हैं, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर,
टमाटर को पूरी अच्छी तरह से नरम होने तक हमें पकाना है, टमाटर के छिलके निकलने चाहिए, तब तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे पका लेना है। टमाटर को थोड़ा हम यहाँ स्मैश कर रहे हैं। इसमें डालेंगे हमारे मसाले, सबसे पहले जाएगी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये MTR का सांबर पाउडर है, ये पूरा जाएगा, ये 2 चम्मच MTR का सांबर पाउडर है फ्रेंड्स। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें जाएगा ये ड्रमस्टिक जो हमने उबाल के रखा है, पहले इसको हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। तो मेरा सांबर जो है वो उबल रहा है, इसमें अच्छा उबाल आ चुका है। अब मैं गैस को थोड़ा ऑफ करूंगी और यहाँ पे मैं अब कुकर को रख दूंगी और फिर गैस ऑन कर दूंगी। अब सांबर को डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और नींबू का रस और इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो सांबर जो है वो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब जाएगा इसमें धनिया, तो सांबर हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको तो यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें जाएगा पैन में सबसे पहले तेल। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें राई, फिर डालेंगे हम जीरा, अब जाएगा इसमें कड़ी पत्ता, जाएगा प्याज, तो मेरे प्याज अच्छी तरह से भून गए। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसमें जाएगा अभी हल्दी, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल तीखा, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे शक्कर, बस थोड़ी सी, फिर जाएगा नमक स्वादानुसार, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पकता है, अभी इसमें इसको डाल देंगे इस तरह, तो ये हमारी सब्जी अभी रेडी हो जाएगी। आप अगर थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, अगर सूखी सब्जी बनाना चाहते तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी प्रेफर करती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ढक देंगे और लो फ्लेम में हम इसको पकने देंगे। तो अभी हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, अब यहाँ पे मैं चावल का कुकर जो है वो चढ़ा रही हूँ।
और हम बढ़ रहे हैं अगली सब्जी की तरफ। मैंने पैन रख दिया यहाँ पे, गैस ऑन कर दूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी तुरई की सब्जी। ओके, तो तेल गरम होने देंगे। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें सबसे पहले जाएगी राई, फिर जाएगा जीरा, फिर जाएगा कड़ी पत्ता, फिर इसमें जाएगा लहसुन, इसमें जाएगा प्याज, तो प्याज भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को अच्छी तरह से पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल तीखा, और ये काले तिल का पाउडर है फ्रेंड्स, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सब्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे टेस्ट अच्छा आता है सब्जी का। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली का पाउडर, जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखी थी उसका मैंने पाउडर बना लिया है, तो ये जाएगा अब इसमें। थोड़ा सा अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जलेंगे नहीं, अदरवाइज मसाले जो होते हैं वो जल जाते हैं। बस थोड़ा सा पानी, तो मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे और आपके मसाले जलेंगे भी नहीं। तो इसको थोड़ा पकने दीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे तुरई की सब्जी को, जो हमने कट करके रखी हुई है पहले से ही। तो देखिए अभी मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको बंद करके हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी को चेक कर लेंगे, गई है हमारी, थोड़ी सी पकनी बाकी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक जाएगा स्वादानुसार। इसमें डालूंगी धनिया, तो हमारी सब्जी हो चुकी है। बस उसको 2 मिनट पका लेंगे, क्योंकि अब उसमें हमने नमक डाला है। बस 2 से 3 मिनट के लिए पका के गैस को ऑफ कर देंगे, तो सब्जी हो गई है। तो जब तक सब्जी रेडी हो रही है, मैं यहाँ पे गुलाब जामुन का आटा रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने MTR का गुलाब जामुन पैकेट लिया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया था। इसमें हम डालेंगे घी, आटे को थोड़ा घी लगा के रख देंगे, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे इसको, बहुत देर रेस्ट नहीं कराना है। तो जामुन बनाने के लिए हमें शुगर सिरप चाहिए, तो यहाँ पे मैं छाछनी बनाने के लिए रख रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी हो रही है, पीछे के गैस पे मैं रख रही हूँ अपनी जामुन की छाछनी। तो इसको अच्छी तरह से उबालने दूंगी मैं। उसमें डालूंगी इलायची, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी तेल। तो जब तक तेल गर्म होगा, छाछनी तैयार होगी, मैं गुलाब जामुन के गोले भी बना लूंगी। तो तेल को चेक कर लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। गरम हो रहा है, तो फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे
जामुन भी रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरी छाछनी उबल गई है, लो फ्लेम में ही जामुन को पकाइएगा। कभी भी अगर आप फ्लेम फास्ट कर देंगे ना तो ऊपर से जामुन जल जाएगा और अंदर कच्चा बच जाएगा। तो जब भी जामुन बनाइएगा लो फ्लेम रखिएगा। मैं एकदम लो फ्लेम रखी हूँ यहाँ पे, और ऐसे हिलाते हिलाते ही पूरा ऊपर नीचे करते करते ही जामुन को पकाइए, तो सब जगह से जामुन पक जाता है। तो हमारे जामुन रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं छाछनी में डुबो दूंगी इनको, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा गर्म रहते ही डालेंगे तो वो छाछनी सोख लेती। तो अब हम डालेंगे छाछनी को जामुन के ऊपर। तो अभी मैं जामुन को भी साइड में रख रही हूँ। और अब तो फ्रेंड्स तेल गरम है, अभी इसी तेल में हम कुरड़ियों को भी तल लेंगे। तो फटाफट हम रायता बना लेते हैं। रायता के लिए हम यहाँ पे प्याज डालेंगे, ये कद्दूकस करके रखा हुआ हमारा ककड़ी, कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसमें डालेंगे हम नमक, और डालेंगे चाट मसाला, इसमें डालेंगे दही, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज भी पानी छोड़ेगा और थोड़ा अपना ककड़ी भी पानी छोड़ेगा। तो अगर आप रिक्वायरमेंट लगी तो आप जब परोसोगे तब उसमें थोड़ा सा और दही भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको इसी तरह से ढक के रखूंगी, जब मैं परोसूंगी तब अगर मुझे लगेगा दही कम पड़ रहा है तो मैं उसमें थोड़ा सा और दही डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे रोटियां, तो पूरा हमारा जो थाली का खाना है वो रेडी हो जाएगा। कि आटा भी हमने शुरुआत में ही गूंद के रखा था तो काफी अच्छी तरह से नरम हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी थाल रेडी हो चुकी है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।